वैसे साथी मैं आपको बता दूँ, शिमला यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। हम पहाड़ों की जस्ट नीचे ये शहर है कालका। कालका में आज मैं घूम रहा हूँ और आज मेरी विजिट भी कालका के लिए, हरियाणा में पड़ता है कालका। मथुरा से करीब करीब आप मान के चलिए 600 किलोमीटर के समथिंग में। तो हमारे यूट्यूब चैनल DS ट्रेवल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं आपको इसी तरह भारत भ्रमण कराता रहूँगा। आज थोड़ा व्यस्त था, नहा धो तो लिया लेकिन शेविंग वगैरह नहीं करा पाया। शक्ल से कुछ ऐसी ही हो रही है, कोई बात नहीं, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। मैं इसी तरह आपको घुमाता रहूँगा। नमस्कार, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल DS ट्रेवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। साथियों, तो आज मैं हूँ हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पर, ये छोटा सा शहर है कालका। तो हम आपको विजिट कराते हैं कालका की। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है शिमला, तो पहले हम आपको कालका विजिट कराते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहुँचते हैं कालका बस स्टैंड और फिर हम बारी बारी से आपको बताएंगे कहाँ पर बस स्टैंड है, कहाँ पर रेलवे स्टेशन है और शहर में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। बस जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल DS ट्रेवल ब्लॉग से। तो साथियों, अगर नहीं किया है आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें। तो चलिए हम घूमते हैं कालका। कालका शहर में हम सबसे पहले कालका बस स्टैंड पहुंचते हैं। ये आप देख रहे हैं साथियों, ये है कालका बस स्टैंड। यहाँ से आपको चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला, आप मतलब भारत के कोने कोने तक जा सकते हैं। यहाँ हर जगह के लिए आपको बस उपलब्ध है और यहाँ पर ये यात्रियों के रुकने के लिए ये चबूतरा टाइप से बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, ये है, ये लिखा हुआ है हरियाणा राज्य परिवहन सामान्य बस स्टैंड कालका पंचकुला। ये सारी व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ बस स्टैंड की, यात्रियों को बैठने की, रुकने की, पानी वगैरह और फैन वगैरह, मतलब बस स्टैंड में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रात्रि के समय यहाँ रुकने ठहरने की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। रेट टेबल हैं, टाइम टेबल हैं, इसी में मतलब रूट वगैरह भी दिए हुए हैं। ये यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात लगी, साफ़ सफाई। साथियों, यहाँ पर चारों तरफ इतनी साफ सफाई है जिसका कोई जवाब नहीं। कुछ तो पहाड़ी इलाका और उसके अलावा बाकी साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और ये है समय तालिका, यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कौन सी बस कितने बजे यहाँ से निकलेगी, कौन सी बस कितने बजे यहाँ पर आ रही है, ये सारी जानकारियाँ यहाँ आपको मिलेंगी। ये साथियों पंचकुला डिपो में आता है, ये यहाँ का छोटा बस स्टैंड है। यहाँ से आपको दिल्ली, चंडीगढ़, पिंजौर, हिमाचल, बस्ती, ऊना, नालगढ़, सोनल, परवाड़ू, हर जगह के लिए बस मिलेंगी। साथियों, चलिए अब हम इस बस स्टैंड से बाहर निकलते हैं। जब हम बस स्टैंड से बाहर निकलते हैं तो एक सामने रोड है, ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाता है। तो हमें साथियों चलना है राइट में। राइट में करीब आधा किलोमीटर चलने पर हम पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन। वैसे ये सीधा परवाड़ू के लिए जाता है लेकिन अभी हमें रेलवे स्टेशन पहुंचना है। रेलवे स्टेशन कालका का वही रेलवे स्टेशन है जहां से नैरो गेज ट्रेन शिमला के लिए जाती है, जिसे हम टॉय ट्रेन भी कहते हैं। चलिए पहले हम शहर को घुमाते हैं, उसके बाद में रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। ये है साथियों कालका का शहर, जो काफ़ी सुंदर है,
हम सुबह सुबह पहुंचे हैं तो भीड़ भाड़ थोड़ा कम है, दिन में काफ़ी पॉश क्षेत्र बन जाता है, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र लेकिन सुंदर है। भारत के हरियाणा राज्य में पंचकुला जिले में स्थित एक नगर है कालका। यह हिमाचल उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 इस राज्य में प्रवेश का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर कालका जी मंदिर काफी प्राचीन है, उसी से यह शहर प्रसिद्ध है। ऐसा बताया जाता है इस मंदिर की स्थापना बाबा बालकनाथ ने की थी। कालका शहर विशाल हिमालय की तलटियों में स्थित है। गाइस, इस शहर की बनावट और बसावट दोनों ही बड़ी मस्त हैं। मैंने शहर काफ़ी देखे लेकिन यहाँ जो मैंने सिस्टम देखा सारा सिस्टम एक जैसा है। पूरे शहर में आप निकलेंगे कोई भी दुकान आगे पीछे इस तरह से नहीं है, एक ही साइज से हैं, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग में। और अगर बराबर से कोई अंदर बाजार गया तो उसकी भी फिनिशिंग बहुत मस्त है। मतलब इस तरह से बाजार मैंने बहुत ही कम देखे हैं। और यहीं से हम हिमाचल में प्रवेश भी करते हैं। माना जाए तो जैसे हम हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर हैं। ये हरियाणा का लास्ट शहर है। यहीं पास में है दो गांव जो अब कस्बे में बदल चुके हैं, यानी कि मिनी शहर जो कालका के दक्षिण में है, पिंजौर और परवाड़ू जो हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक गांव हैं। ये दोनों ही गांव NH-22 पर आते हैं। चलिए गाइस, अब हम आपको एक मजे की बात बताते हैं। अगर आप शिमला या कालका घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। साथियों, अगर आप शिमला घूमने जा रहे हैं तो कालका स्टे कर सकते हैं। कालका स्टे करने का बहुत ही गजब का स्थान है। यहाँ पर साथियों दोनों ही ऑप्शन मजेदार हैं। अगर आप कालका घूमने आते हैं तो भी मजेदार जगह है, अगर आप शिमला घूमने आते हैं तो और भी ज्यादा मजेदार बन जाती है, क्योंकि आप कालका स्टे करेंगे और यहाँ से नैरो गेज ट्रेन के द्वारा आप शिमला का सफर करेंगे। साथियों, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, झरनों के बीच से निकलती है नैरो गेज ट्रेन, बहुत ही रोमांचक बना देती है इस सफर को। तो साथियों, हो जाइए तैयार। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इस शहर में रुकने ठहरने के लिए होटल रेस्टोरेंट की सुविधा बहुत अच्छी है और उचित रेट पर भी है। साथियों, सबसे पहले मैं वहाँ ले चलता हूँ आपको जहाँ पर मैंने स्टे किया है, यानी जिस होटल में मैं रुका हूँ उस होटल का नाम है रोज। रोज होटल में मैं रुका हुआ हूँ साथियों, चलिए मैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। पूरे दिन की थकान के बाद में जब शाम को मैं होटल रोज में रुका, सुबह जब हम जागे तो जागते ही मैंने देखा वहाँ का दृश्य बहुत ही मज़ेदार है। बस मैंने अपना कैमरा निकाला और वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। ये साथियों सुबह का सीन है, बहुत ही सुंदर है, नज़दीक में पहाड़ियाँ, बस बयान नहीं कर सकता कितना अच्छा लग रहा था। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ इस टाइम हरियाणा के भूल गया हरियाणा का ये शहर है कालका, बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बराबर में देख रहे हैं पहाड़ियाँ और हम रुके हुए हैं होटल रोज में। तो मैं नहा धो के रेडी हूँ, चलो नीचे चलते हैं गाड़ी के पास में। देखो गाड़ी है हमारी जस्ट नीचे, गाड़ी खड़ी है, तो चलते हैं। तो मैं होटल से बाहर आ गया हूँ और मैं हूँ अपनी गाड़ी पे, तो चलते हैं कालका घूमते हैं। चलिए, ये तो रही कालका शहर की बात, अब हम आपको उस जगह पर लेके चलते हैं
जहाँ से नैरो गेज ट्रेन शिमला के लिए जाती है, यानी हम चलते हैं कालका रेलवे स्टेशन। तो गाड़ी को घुमाएं और चलें कालका रेलवे स्टेशन। ये कालका शहर की पूरी लोकेशन है। यहाँ से हम आगे जब निकलते हैं तो हिमाचल में प्रवेश करते हैं। ये हरियाणा और हिमाचल बॉर्डर पर लास्ट शहर है कालका। तो चलिए हम रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं और आपको घुमाते हैं नैरो गेज ट्रेन। यही है कालका रेलवे स्टेशन। हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में कालका शहर में है यह छोटा सा स्टेशन, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। तो साथियों, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, नैरो गेज ट्रेन का सफ़र होता है जो दिन में 4 ट्रेनें जाती हैं शिमला के लिए। वैसे तो इसे टॉय ट्रेन कहते हैं, लेकिन सही जो उच्चारण है इसका वो है नैरो गेज ट्रेन। साथियों, इसका सफ़र बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार है। पहाड़ियों के बीच से निकलता ट्रेन का रास्ता बहुत ही मज़ेदार और एकदम लाजवाब सफ़र बन जाता है जब सुरंगों के बीच से ट्रेन निकलती है। तो चलिए साथियों, हम इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताते हैं किस तरह से बुकिंग की जाती है, कब की जाती है और इसका सफ़र का क्या है लुफ्त मज़ा। साथियों, ट्रेन का सफ़र करने से पहले हमें 1 महीने पहले बुकिंग करनी होगी, वो भी ऑनलाइन। गाइस, कालका शिमला टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके शिमला टूर में 4 चांद लगा देगा। तो आप इस शानदार सफ़र के लिए तैयार हैं, सफ़र का आनंद जरूर ले साथियों। तो साथियों, कालका ट्रेन से संबंधित जितनी भी छोटी बड़ी जानकारियां हैं वो आप YouTube चैनल DS ट्रेवल ब्लॉग के जरिए से ले रहे हैं। तो साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब साथियों को शेयर जरूर करें। IRCTC ऐप के द्वारा आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क रहता है साथियों, वो है एडवांस बुकिंग का। नॉर्मल ट्रेन में आप 4 महीने पहले बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन इस नैरो गेज ट्रेन में ट्रेन की बुकिंग आप 1 महीने पहले ही कराएंगे। 1 महीने पहले बुकिंग कराएंगे, वो भी सुबह 8 बजे ओपन होती है। आपको 15 से 20 मिनट के अंदर में बुकिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो सारी सीटें बुक हो जाती हैं। कालका रेलवे स्टेशन से शिमला तक की दूरी 90 किलोमीटर की है साथियों, जो कि 5.5 घंटे का सफ़र है। चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ों का सीना चीरते हुए 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद में साथियों, अब हम पहुंचने वाले हैं, ये आगे वाला स्टेशन है हमारा धर्मपुर। तो साथियों, यहाँ पर आपको चाय, नाश्ता, समोसे, चाय, मतलब जो भी है खाने पीने की चीज़ें यहाँ आपको उपलब्ध रहेंगे। कालका से शिमला के इस सफ़र में साथियों, हमें 103 सुरंग और 860 पुल पार करने होते हैं। साथियों, इसमें सबसे लंबी सुरंग है 1100 मीटर की, जो बड़ो रेलवे स्टेशन से पहले पड़ती है। साथियों, एक एडवाइस दूंगा मैं आपको, जब भी आप नैरो गेज ट्रेन का सफ़र करें, आप राइट साइड की सीट बुक कीजिएगा, क्योंकि राइट साइड में सबसे ज़्यादा व्यू देखने को मिलते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, छोटे छोटे गांव, सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो राइट साइड में ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो साथियों, ध्यान रखना, जब भी आप नैरो गेज ट्रेन का सफ़र करेंगे, राइट साइड की सीट लेने की कोशिश करना। बड़ो रेलवे स्टेशन को पार करने के बाद में 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पहुंचेंगे सोलन। सोलन रेलवे स्टेशन छोटा है, लेकिन है बहुत सुंदर। एक मजे की बात और बताता हूं साथियों, आप इस सफ़र में सोलन को भी एक टूरिस्ट पैलेस के तौर पर शामिल कर सकते हैं। आप सोलन भी घूम सकते हैं। सोलन बहुत ही सुंदर जगह है और देखने लायक बहुत ही बेहतरीन जगह है।
अब इन बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशनों को पार करते हुए हम पहुंचने वाले हैं शिमला। तो आपको कैसा लग रहा होगा साथियों शिमला का नाम सुनते ही? शिमला बहुत ही फेमस जगह है, वर्ल्ड फेमस पैलेस शिमला। सर्दियों में भयंकर बर्फबारी, गर्मियों में शीतलहर। साथियों क्या बताएं आपको, शिमला इतना गजब का पैलेस है साथियों, बहुत ही ठंडा इलाका है। यहाँ महसूस नहीं होता कि कभी गर्मी भी पास होके निकली होगी, इसीलिए तो शिमला सुंदर है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, रंगीन है रंगीन। शिमला का रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से है, गोल गोल, यानी कि ट्रेन जब निकलती है तो पूरा स्टेशन साफ साफ नजर आता है। उसके साथ साथ यहाँ से शिमला का जो नज़ारा है वो और भी खूबसूरत दिखता है। शिमला रेलवे स्टेशन से साथियों माल रोड की दूरी सिर्फ ओनली 1 किलोमीटर, तो आप न कोई साधन करें, पैदल पैदल निकलें, बहुत ही मजा आएगा क्योंकि सारी चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो मेरा मानना है आपको यहीं स्टॉप दिया जाए। अगली वीडियो में हम आपको पूरा शिमला घुमाने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं। तो साथियों अब हम आपको यहीं स्टॉप देते हैं और आपसे हम विदाई लेते हैं। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक देखते रहिए YouTube चैनल DS Travel की प्रस्तुति कालका हरियाणा।